तलाश। जिंदगी अब एक तलाश बनके रह गई है, हजारों चेहरों में सिर्फ एक मूरत की तलाश। एक ऐसी मूरत जो कभी खोई भी नहीं और शायद जो कभी मिलेगी भी नहीं। दिल सब जानता है मगर आंखें गुमराह हैं कि तलाश ही करती चली जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद तो आया होगा। It's a great, हमें बिल्कुल पसंद आया and we want more commercials with you. इंशाल्लाह ताला सर। And excuse me. Okay. आप इन्हें थोड़े से ब्रीफ करो, ठीक है? मैं आता। हाँ बोलो नताशा। हाँ तैमूर, वो आज आप घर 6 बजे तक आ जाइएगा। याद है ना डॉक्टर रफिया की क्लिनिक पर जाना है। क्यों? ओह माय गॉड, आज आपके फर्टिलिटी टेस्ट की रिपोर्ट जो मिलनी है, आई होप सब पॉजिटिव हो। नताशा आई एम सॉरी, मैं आज जल्दी घर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि एक मीटिंग चल रही है क्लाइंट के साथ, क्योंकि हम लोग ने एक नई कैंपेन लॉन्च की है ना, तो उसकी वजह से। अगर आप जाके खुद रिपोर्ट ले आओ। हाँ पापा की मेडिसिन भी चेक कर लेना प्लीज। अच्छा तो कम से कम घर तो जल्दी आने की कोशिश कीजिए। ओके स्वीट हार्ट, आई विल ट्राई। ठीक है, ओके बाय। बीबी जी आप अगर मेरी बात माने, दुआ ताबीज करा लें, दुआ ताबीज में भी बड़ा असर होता है। अच्छा भैया, अच्छा अपना काम करो जाके। किचन में ग्लासेस रखे हुए हैं, उसने वो भी ले आना, मैं जोड़ू उनको। और आते हुए एक ग्लास पानी ले आना। आखिर ये कैसी बेचैनी है, कैसी तलाश है जो हकीकत नहीं बन पाती, जो सुकून नहीं पाती। आखिर क्या है उसमें जो मेरे कदम ना चाहते हुए भी उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, जो मुझे नताशा से झूठ बोलने पर मजबूर कर रहे हैं? क्यों, आखिर क्यों? शादिया इंशाल्लाह इस दफा बेटा हुआ ना तो मैंने अभी से नाम सोच दिया है। लेकिन अगर बेटी हुई तो क्या नाम सोचा आपने? नो, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह बेटा ही होगा। और पता है मैंने नाम भी सोच दिया। क्या नाम? वैसे आपको तो बता दूंगा।
चलो ठीक है, फिर मैं वेट कर लेती हूँ। ओके। आते हैं ऑफिस से, उनको कितना भी कह लो ना कभी भी जल्दी नहीं आते। आज भी देखें इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं पहुंचे हैं, पता नहीं कितने बजे आएंगे, जाना भी था।
हे बाप, ये क्या चाहता है मुझसे? क्यों आता है रोज रोज यहां? मगर आपने आपने कैसे देख लिया मुझे? और आपकी आवाज मर्दाना है। लेकिन मैं मर्द नहीं हूं, औरत नहीं। कोई मुझे हिचड़ा, कोई जनखार, कोई छक्का कहता है। अब ये तुझ पे है कि तू मुझे किस नाम से पुकारता है। तेरी आंखें बताती थी कि एक दिन आएगा मुझसे। बोल, क्यों आता है रोज रोज? कहीं खूबसूरत लड़की समझ के मुझसे इश्क तो नहीं कर बैठो? आप क्या है, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। मुझे तो आपके रक्स में छुपा दर्द रुकने पर मजबूर कर देता है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई अनजानी ताकत या माजी की बाजगश मुझे खुद ब खुद खींच लाती है। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं मालूम। मुझे आपके छुपे दर्द को जानना है जो दीवानगी बनकर आपके रक्स की सूरत धार लेता है। हे चा बाबू, चा चा। इस दुनिया में किसे इतनी फुर्सत है एक हिजड़े की कहानी सुने, उसके दर्द को महसूस कर। मुझे मैं आपके दर्द को महसूस करूंगा। हो सकता है कि मैं आपके किसी काम आ जाऊं। तू मेरे क्या काम आ सकता है? क्यों सुनाऊं मैं तुझे कहानी? क्या करेगा तू सिवाय इसके के खिचड़े की कहानी को मिर्च मसाला लगा के अपने दोस्तों को सुनाएगा? तुम जैसे मर्द ही हम जैसों को इज्जत से जीने नहीं देते। क्यों सुनाऊं मैं तुझे अपनी कहानी? जा, चला जा। ठीक है, चला जाता हूं मैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर दिल के गमों की बात जुबान पर ना आए ना तो दर्द दिल बन जाती है। और अगर आज मैं यहां से मायूस चला गया ना तो तुम्हारे दर्द को जानने की ख्वाहिश तुम्हें जीने नहीं देगी। चांदनी मर्द का सिर्फ एक रूप नहीं होता, उस रूप में बाप भी होता है, दोस्त भी और भाई भी। Hey, रुक जा बाबू। तेरे चेहरे पे मुझे बाकी इसकी सच्चाई नजर आई। मैं सुनाऊंगी तुझे अपनी कहानी। मेरा नाम मेरे वालदेन ने क्या रखा ये तो मैं नहीं जानती, पर सब मुझे चांदनी के नाम से जानते हैं। मेरी बदनसीबी तो उसी वक्त शुरू हो गई थी जब मैं पैदा हुई। आप कह
कैसे बाप है? एक माँ से कह रहे हैं कि वो अपने जिगर के टुकड़े को यतीम खाने वालों को सौंप दे। शाजिया, शाजिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी वो बच्चा है, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा पूरी सोसाइटी में, पूरी दुनिया में तमाशा बनकर रह जाएगा, और मैं किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहूंगा। मुझे किसी सोसाइटी और किसी दुनिया की परवाह नहीं। वो जो भी है, जैसा भी है, उसके होने में उसका कोई कसूर नहीं, कोई भी कसूर नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसने मेरी कोख से जन्म लिया है, और मैं अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं करूंगी। और वैसे भी दुनिया को क्या खबर कि हमारा बच्चा अधूरा है। देखो ठीक है, जो तुम्हारे दिल में आए तुम करो, मगर एक बात कान खोल के सुनो, मैं इस बच्चे को बाप की मोहब्बत कभी भी नहीं दे सकूंगा, कभी भी नहीं, नेवर। और यूं पहली औलाद होते हुए भी मेरे बाप के लिए मेरा वजूद जैसे एक खाली बन गया। मेरी मां मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, मगर बाप उतनी ही नफरत। मेरी वजह से आए दिन उन दोनों के दरमियान झगड़े होने लगे। और यूं मैं बाप की नफरत और मां की मोहब्बत के साए में 5 साल का हो गया। मेरे बाद मेरा एक भाई और बहन ने भी जन्म लिया, और उन दोनों की खुशी जैसे सुनहरी गोटे में तू पेरी गोटे में, सुनहरी गोटे में तू पेरी गोटे में, सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोटे में, सुनहरी गोटे में। से तुम कहते हो कि वो अपनी औलाद तुम्हारे हवाले कर दे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। सदके चली जाओ बेगम साहिबा, अल्लाह ताला ने इसे हमारी तरह का बनाया है, ये हमारा है। जो कुछ भी हो, है तो ये मेरी औलाद, और कोई मां जीते जी अपनी औलाद को खुद अलग नहीं कर सकती। मैं भी इसे मां बनकर ही पालूंगी, आंख का तारा बना के रखूंगी मैं इसे। सच कहती हूं बेगम साहिबा, कब तक हकीकत से मुंह छुपाएंगी आप? एक ना एक दिन सारी दुनिया को पता चल जाएगा, और दुनिया इसका जीना हराम कर देगी। सच कहती हूं बेगम साहिबा, पानी का जानवर पानी में ही जिंदा रह सकता है। कुछ भी हो, है तो मेरी औलाद, मेरी माँ जीते जी अपनी औलाद को उससे कभी अलग नहीं कर सकती। मैं भी इसे माँ बनकर ही पालूंगी। निकल जाओ तुम यहां से, निकल जाओ यहां से तुम। चली जाती हूँ बेगम साहिबा, नाराज क्यों होती हैं आप? एक बात याद रखिएगा, आना तो इसे हमारे पास ही है। सदके चली जाओ। खुदा हाफिज़। कुछ अरसे बाद
मेरी छोटी बहन गुड़िया इस दुनिया में आई, लेकिन उसके बाद तकदीर ने एक ऐसा सितम किया जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाई। माँ के बाद जैसे मेरे बहन भाई मेरे जीने का सहारा बन के मेहमून महा कहा तुम लोग, कम ऑन बच्चों स्कूल में देर हो रही है। अच्छा अच्छा तो पापा पापा वहाँ को स्कूल ले जाते हैं, खाने ले जाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं, बाजी को क्यों नहीं ले जाते? पापा आप बाजी को हमारे फ्रेंड के साथ खेलने भी नहीं देते। अच्छा नो मोर क्वेश्चन ठीक है, तुम्हारी बहन आ गई, कम ऑन अनीस बच्चों का बैग लेकर आ जल्दी से। चल शाम आप बच्चों खुदा हाफिज। तुम क्यों खड़े हो यहाँ? दबाओ यस। फिर एक रात बनने मेरा कोई कसूर नहीं था, फिर भी ना जाने क्यों ना बाप का प्यार मिला ना मां की ममता, मेरे लिए वो सब मंजर डरा देने वाला मंजर था। सारे चेहरे मुझे खौफ पिलाने लगे, मैं डरी डरी सहमी सहमी उस खौफ से था माहौल को बेजान महसूस देखी जा रही थी। चली जाओ दिखा ले एक निवाला ले लेना मेरी बच्ची, मुंह खोल जा बस। नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे अपने पापा और मुझे अपने बहन भाई के पास जाना है, मुझे जाने दो। अरे अम्मी इन महारानी के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। अब मैं कहती हूँ उसको एक रात भूखा सोने तो, सुबह उठे के तो सारे कसबल ढीले हो जाएंगे। हाँ और क्या अम्मी, पता है क्या कल इसने कितना नुकसान कराया? 400 से 500 रुपए नुकसान हो गया, और एक सेट मिला भी, इतना नचाया वो ऐसा निकला कम वक्त मारा कंजूस मक्की चूस। दे बोल चुकी अब एक लफ्ज भी बोला ना तो फिर तू देखी। अच्छा ए कटारी ए अल्लाह की मारी, ए तू कौन सा कोई बिहार जाने लगी है जो मरी जा रही है एक दिन की दिहाड़ी के लिए? बड़ी आई उसकी हम आए ती
चलो जाओ दफा हो यहाँ से, अरे बच्ची को भूख लगी है, खाना खाने दो उसे। अरे ओ कटारी, हाँ कम वक्त मारी, सुबह नहारी शाम नहारी आ दुखी आ रही, चल भी मारी। अरे यहाँ गुरु अम्मी जो है ना, जाओ दफा उसे, सारे जाओ यहाँ से, गुरु अम्मी समझ हुसत फैलाई हुई है तुम लोग, अरे चलो जाओ यहाँ से, मेरे सिर से हटो काम। तुझे कंचा पीस क्या मिल गया, तू तो उसको सगा और हमें सुते चलो जाओ यहाँ से, काम के ना काज के दुश्मन ना आज के, बैठे रहते काम का में सारा दिन। देख बेटा, ये रोना धोना छोड़ दे, भूल जा सब कुछ, अल्लाह ने तुझे भी हमारी तरह अधूरा ही बनाया है, तेरे बाप ने ही तो भेजा है तुझे हमारे साथ, आज ना आती बाद में आती, आना तो तुझे यही था। देख बेटा, हमारी कोई मां कोई बाप कोई बहन कोई भाई नहीं होता, अब तेरे सारे रिश्ते मुझसे हैं, और ये जो सारे थे ना, ये तेरे रिश्तेदार हैं, हैं? ये उस बाप के लिए रो रही है जिसने तेरे 7 सालों में नाम भी नहीं रखा। हाँ मैं रखूंगी तेरा नाम चांदनी, हाँ चांदनी, आज से तू चांदनी है मेरी, है ले मेरी जान, खा ले खाना, खा ले मेरी जान, खा ले मेरी जान, मैं सद के जाऊंगा अपनी जान के, मेरी बच्ची। क्या बात है गुरु, तुम इसको बहुत प्यार करने लगे हो, बिल्कुल माँ की तरह। मुझे तो शक है कहीं ये सगी माँ ही ना बन जाए। ये क्या हुआ जो हम माँ बाप नहीं बन सकते, मगर सीने में दिल तो है ना हमारे भी। दिल? ये भी कोई दिल है? खाली कमरे की तरह बगैर ख्वाहिशात वाला दिल।
मैं तो कहती हूँ गुरु, तुम इसको अब दांव पे सिखाई दो, कयामत ढा देगी कयामत। सिखा दूंगी सिखा दूंगी, अगर उसने चाहा तो। न मैं जबरदस्ती करूंगी न किसी को करने दूंगी, सुन लिया तुमने? जिसका अपना बाप उसके लिए कुछ नहीं कर सका, सारी उम्र की रोटियां तुड़वाएगा गुरु तू इससे? गुरु बुरा नहीं मानना, कटारी बहन के कहने का मकसद यह है, अगर तुम चांदनी के पैर में घुंघरू बांध दो तो कयामत ढा देगी गुरु, कयामत। क्यों कटारी? हाँ कंबकत मारी, सुबह नहारी शाम नहारी दुखियारी, चल बीमारी। ए लालची औरत, चल उठ यहाँ से बाहर जा। ए गटारी, उठ जरा मालिश कर मेरे सर में। गुरु जरा मैं तेल लेकर आती हूँ। उसके सर में ना करने बैठ जाए। फिर नया नाम मिला चांदनी। कुछ नहीं हुआ अम्मा, मैं ठीक हूँ। हाय मैं सद के चली जाऊं, ऐसा नाचती है कि अपना आप भूल ही जाती है। इसीलिए तो कहती हूँ गुरु, अब इसको हमारे साथ भेजा कर, इसको देख के तो बड़े बड़े सूरमा ढेर हो जाएंगे। देख गुरु, अगर ये हमारे साथ जाएगी तो हमारे दिन फिर जाएंगे। ए अम्मा, ए मैं नहीं जा रही कहीं नाचने। भला ये भी कोई बात हुई कि हम नाचे और लोग हम पे हंसे और हम उनकी खैरात लें? मैं नहीं जा रही। ए बीबी, इसी खैरात का खा के तू इतनी बड़ी हुई है, तुझे पाल पोस के गुरु ने जवान किया इसी खैरात का, और आज तू कह रही कि हम खैरात ले वे, वाह भाई वाह। हाय हाय, इनराज कर दिया ना मेरी बच्ची को। ए छिछोरी, ए बुड्ढी हो गई है शबनम, छिछोड़ बन नहीं गया तेरे में से। अरे तू क्यों फिक्र करती है, मैं हूं ना, अरे मैं उसको कमा के खिलाऊंगी। हाँ बस रहने दो गुरु, अरे तुम्हारे तो अपने खाने के लाले पड़े हैं, उसे क्या खाक खिलाओगी? अरे मैं पूछती हूँ, हम जी या ना जीने मर जाएं तो उसको कौन पालेगा? ये तो बताओ गुरु, क्या तुम उसका घर बसाओगी? Oh,
अरे मेरी बच्ची, अरे कहां से इतना दर्द समेट ले रही है अपने कलेजे में? कितना दर्द है तेरी आवाज में, कितना अच्छा गाती है रे तू। ए मेरी बच्ची चांदी, हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे, हमारी वजह से तेरा दिल दुखा है। अब हम तुझसे कभी नहीं कहेंगे, तू हमारे साथ फंक्शन में चल, मगर एक काम कर दे, अगर मेरी बच्ची तू हमें ये गाना सुना दिया कर, कितना मीठा सुरीला गाती है तू। मान ले मेरी बच्ची इनकी बात, मान ले, इनको इनकार मत कर। अब्बा, अब्बा आज मुझे अपने माँ बाप, ये अपने बहन भाई बड़े याद आ रहे हैं। अम्मा एक बार अम्मा, एक बार मुझे उनके पास ले चल, एक बार अम्मा मुझे उनसे मिला दे, एक बार अम्मा। अरे पगली, तू क्या समझती है, वो मिलेंगे तुझसे? क्या कह के मिलेंगे, भाई बहन कह के मिलेगा या बहन भाई कह के मिलेगी? अपना मान रख ले चांदनी, अगर उन्होंने भी तुझे ठुकरा दिया ना, तो तू अपने होशो हवास खो बैठेगी, अपने होश और आवाज को बैठेगी मेरी चांदनी, मेरी बच्ची। मेरी बच्ची, कल हमने ख्वाजा साईं की दरगाह पे जाना है, तू भी हमारे साथ चली, बड़ा सुकून मिलेगा तुझे, बड़ा सुकून मिलेगा मेरी जान। नारू
चांदनी मेरी बच्ची सोई नहीं अभी तक। नींद नहीं आ रही अम्मा। अम्मा तू मुझसे बहुत मोहब्बत करती है ना। ये भी कोई पूछने की बात है? कोई काम है तो बताओ मुझे। ये देख तेरी चांदनी ने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, ये मेरी एक बात मान ले। चल हट, फिर तुझे बहन भाइयों की याद आ गई होगी। नहीं अम्मा ये ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है बता मुझे। अम्मा मुझे ख्वाजा साहब के दरबार पे बड़ा सुकून मिला। ये मुझे ऐसा लगा जैसे किसी रूहानी हस्ती ने मुझे अपनी गोद में ले लिया हो। जैसे जैसे किसी ने मेरी जख्मी रूह पे मरहम रख दी हो। इसीलिए तो लेकर गई थी तुझे वहां। अल्लाह लोग है, लोग खाली याद आते हैं, झोलियां भर भर के ले जाते हैं वहां से। मुझे वही सुकून चाहिए अम्मा। सो जा मेरी बच्ची, कल ले जाऊंगी तुझे, सो जा। तेरी चांदनी सारी जिंदगी वहीं गुजारेगी। ए मुझे वहां पे एक कुटिया डाल दे। कैसी बातें करती है चांदनी, कौन जगह डार से बिछड़ जाए ना तो कहीं की नहीं रहती। जिंदगी की तल हकीकतों का सामना करने के बावजूद भी तूने कुछ नहीं सीखा। ये जो हद्दे निगाह तक फैली प्यासी जमीन है ना, ये तुझ जैसे एक कतरे को जज़्ब करने में लवा भी नहीं लगाएगी। अभी तो तू जन्नत और दोज़ख से बेखबर है। बेखबरी में मारी जाएगी मेरी बच्ची, बेखबरी में मारी जाएगी। एक अटारी शबनम समझाओ ना इसे कुछ, समझाओ इसे कुछ। क्या हुआ गुरु, क्या हुआ? कहती है कि मैं मामा साहेब के आस्थाने पर जाकर कुटिया डाल कर वही रहूंगी। मैं मुझे मत रोक ना, रुक मुझे, ये तंग कुट जाएगा मेरा यहां पे। हे शबनम की डारी तुम ही समझाओ ना अम्मा को। इसे कहो मुझे जाने दे, जाने दे मुझे। ना रो मेरी बच्ची, ना रो, छोड़ाऊंगी तुझे कल जाके। अम्मा तू रो रही है, ना रो, रो कर रही हूं मेरी बच्ची। तेरी खुशी में ही तो मेरी खुशी है, रो तो नहीं रही, मैं क्या रो रही हूं। बस उस दिन के बाद ये दरगाह ही मेरा ठिकाना बन गया। अम्मा किनारी और शबनम आते हैं मुझसे मिलने, उनकी तो जिद है मैं उनके साथ ही चली जाऊं, पर नहीं, अब तो मैं यहां से मर के ही जाऊंगी। क्या आपको पता है कि आपके
वालिद का नाम क्या था? क्यों नहीं याद? बेशक उन्होंने मेरा कोई नाम नहीं रखा, लेकिन मुझे याद है अपने वालिद का नाम, निसार अहमद। निसार अहमद था उनका नाम। हे बाबू, हे क्या हुआ बाबू? एक हिजड़े की कहानी से उदास हो गए? नहीं, मैं चलता हूं। हे बाबू, ये जाना है तो जा, पर अपना नाम तो बताता जी। बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। मैं दोबारा आऊंगा। खुदा हाफिज। मैं भी कितनी पगली हूं, भला उसे एक हिजड़े की कहानी से क्या दिलचस्पी। हे जा बाबू जा, अल्लाह तेरा भला करे। हद करती है इन्होंने, इतनी देर हो गई है, सेल भी ऑफ आ रहा है, पता नहीं किधर रह गए। आपका इंतजार कर रही हूँ, सेल भी आपने ऑफ किया हुआ है, मैंने आपके लिए सरप्राइज पार्टी रखी है। आज आपकी रिपोर्ट्स आई है ना, एंड यू नो व्हाट, इट्स पॉजिटिव। पापा कहाँ हैं? मैंने आपको इतनी अच्छी खबर दी है और आप हैं कि पापा का पूछ रहे हैं। मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना, पापा कहाँ हैं? पापा ने अपने कमरे के अलावा और किधर होना है? आपने तैयार नहीं होना, ऑलरेडी हम लोग इतना लेट हो गए हैं। I'm sorry Natasha, I'm really dead tired. अगर तुम्हें जाना है तो ड्राइवर के साथ चली जाओ। तैमूर, मैं पिछले 2 घंटे से तैयार बैठी, आपका इंतजार कर रही हूँ और आप कहते हैं कि ड्राइवर के साथ चली जाओ। देखो नताशा, मुझे परेशान मत करो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूं। अगर तुम ड्राइवर के साथ नहीं जा सकती हो तो आप इतने जालिम हो सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या कोई बाप अपनी सगी औलाद के साथ ऐसा करता है जैसा कि आपने किया पापा? बताइए, बोलिए, क्यों किया आपने ऐसा? अगर वो अधूरी थी तो उसमें उसका क्या कसूर था? क्यों किया आपने उसको हिजड़ों के हवाले? सिर्फ इसलिए, सिर्फ इसलिए कि आपके शान और शौकत पर दाग ना लग जाए, या इसलिए कि आप एक अधूरे बच्चे के बाप ना कहलाएं? पापा, आपकी सजा अभी खत्म नहीं हुई है,
वो इसलिए कि वो अधूरी औलाद आपकी आज भी जिंदा है और मैं खुद उससे मिलकर आ रहा हूं। और अब मैं उसे यहां पर लेकर आऊंगा और आपका वह खोया हुआ नाम दूंगा जिसे आपने जिंदगी भर उसे महरूम रखा था। मैं उसे वो हक दूंगा, मैं उसे वो हक दूंगा जो आपने छीन लिया था उससे। मैं कुफारा अदा करूंगा आपका, मैं अदा करूंगा कुफारा आपका। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा दिल क्यों बैठा जा रहा है कि मेरा कोई अपना मुझसे पिछड़ने तो नहीं लगा। हे अल्लाह, हे मुझे किसी अपने से पिछड़ने का काम न देना, हे मुझे किसी अपने से पिछड़ने का काम न देना मेरे मौला। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरे दिल को सुकून दे दे, मेरे दिल को सुकून दे दे मेरे मौला, मेरे दिल को सुकून दे दे। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दे। मैं नहीं जानता था कि मेरा एक सच आपकी जान ले लेगा। आप जीत गए पापा, आप जीत गए, इसलिए कि आपने खुद मरना गवारा कर लिया, लेकिन मरते मरते भी अपनी इज्जत और अना को नहीं मरने दिया। अल्लाह ताला आपको माफ कर दे पापा और मुझे हिम्मत दे कि मैं आपकी गलतियों का कफारा अदा कर सकूं। क्या रिश्ता था मेरा उस बाबू से, क्यों मेरी निगाहें उसके आने की मुंतजर हैं। उसने मेरे दर्द को जानने की कोशिश की, हाँ उसने मेरे दर्द को जानने की कोशिश तो की, वरना लोग तो हर रोज किसी तमाशाई की तरह आते और मेरा रक्स देख के चले जाते, कोई रिश्ता ना सही। मेरे मासी का राजदार तो है, यही कम है कि उसने मेरी एक हिचड़े की कहानी सुन ली, शायद मेरे मरने के बाद मेरी कहानी उसके जरिए मेरे अपनों तक पहुंच जाए। मेरी बच्ची कैसे भूख रही है बुखार में, मैं तो कहती हूं चल मेरे साथ, वहां तेरी देखभाल करने वाले तो है ना, अगर मैं ना आती ना तो तू यहीं तड़पती रहती बुखार में।
हे अम्मा, हे से तेरी खुशनसीबी क्या होगी मुझ पर नसीब की कि मैं ख्वाजा साईं की मजार पे जान दे दूं, हे यहीं दबा दी जाऊं, वरना हम जैसियों की तो मौत एक गुनाह बन जाती है, न जाने क्यों सारी दुनिया से छुपा के रात को किसी कोने में दफना दी जाती है। ये चांदनी, ये मेरी बच्ची, अरे कहां से सीखती रही इतनी बड़ी बड़ी बातें? रात के अंधेरे में पता है हमें क्यों दबा दिया जाता है? इसलिए कि अल्लाह ने हमें अधूरा पैदा किया है और ये दुनिया अधूरे लोगों के लिए नहीं बनाई मेरी बच्ची। किसी के अधूरेपन में उसकी अपनी मर्जी शामिल होती है, एक जान के इजरा पैदा होता है, फिर ये लोग उसकी इज्जत कर नहीं करते। क्यों ये लोग उसकी इज्जत क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते अम्मा? ये चांदनी क्यों जोर देती है रही अपने अपने दिमाग पे? ना सोच ऐसी बातें, मत कर ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ खुदा ही दे सकता है और खुदा जमीन पर नहीं आता मेरी बच्ची, जमीन पर नहीं आता। वो सब तो ठीक है, मगर ये एड्स बनाते बनाते मैं फिल्म बनाने का ख्याल कैसे आ गया? खबर इस सवाल की इतनी अहमियत नहीं है, मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये फिल्म कैसी लगी, क्या मैं इस करेक्टर को घर पर लाऊं या नहीं? अगर ये सवाल मुझसे करने की बजाय तुम अपने आप पर रख के सोचो, मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। मैं कुछ समझा नहीं यार, अगर ये करेक्टर वाली सिचुएशन खुद तुम्हारे साथ होती, क्या तुम हिजड़े को बहन या भाई बनाकर अपने घर ले आते? Maybe. एक ऐसे हिजड़े को जिसके उसके बाप ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी बीवी या सोशल सर्कल कैसे एक्सेप्ट कर लेगा यार? मैं नहीं मानता लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी इस बात को। मेरे ख्याल में अगर तुम कोई फिल्म बनाना चाहते हो तो किसी लाइट या रोमांटिक मौजू पे बनाओ तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा, जिसके लिए कोई तुम्हें शायद फाइनेंसर भी मिल जाए, कोई प्रोड्यूसर मिल जाए, स्पॉन्सर मिल जाए। आगे तुम्हारी मर्जी। चलो मैं चलता हूँ यार। तुम कहाँ जा रहे हो? 2 बजे एक क्लाइंट से मीटिंग है मेरी, उसके बाद मुझे शायद एक जगह जाना है। मेरे ख्याल में हम शाम को जिम खाना में मिलते हैं, राइट? ओके, यू टेक केयर। ओके बाय। चांदनी ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा कि मैं भी दुनिया के तमाम मर्दों की तरह उसकी कहानी को किसी फिल्मी कहानी समझकर भूल गया? नहीं चांदनी, नहीं, मैं कुछ नहीं भूला, कुछ भी नहीं। चांदनी तो यह भी नहीं जानती कि हमारे पापा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। दुनिया कुछ भी कहे, कोई कुछ भी सोचे, मगर मैं अपनी बहन को उसकी रूठी हुई खुशियां वापस देकर रहूंगा। आज मैं नताशा को चांदनी के बारे में बता दूंगा। ले मेरी बच्ची, आ कर ए पी लेना, दवाई है। ए एक कटारी पानी ला बच्ची के लिए। अच्छा गुरु। पी ले मेरी बच्ची। सच कहती हूँ गुरु,
जब से चांदनी डेरे से गई है डेरे की तो रौनक ही खत्म हो गई। अम्मा सच कह रही है कटारी, चांदनी हमसे कोई गलती हो गई, मेरी बच्ची हमें माफ कर दे, मगर घर तो वापिस चल मेरी बच्ची। हाँ कैसी बातें कह रही है शबनम, तो आज तुम लोगों ने तो मुझे इतनी मोहब्बत दे दी है, लेकिन यहां से जाने की बातें मत कर। सुन लो गुरु, आज से हम भी ये रहेंगे, जहां तुम रहोगे वहां हम रहेंगे। हाँ कैसी बातें करती है रितु, ये ख्वाजा साईं का आस्ताना है, कोई हमारा डेरा नहीं है, आज यहां तो कल वहां। अरे यहां तो नसीबों वाले रुकते हैं, अगर मेरी बात का यकीन नहीं है ना तो दो दिन रुक के देख ले यहां पे। गुरु हम दोनों कहां जाएं, तुमने तो यहां ठिकाना बना लिया, हम कहां दर दर मारे मारे फिरें। हैं गुरु ए मरी क्यों जाती है, जरा दो दिन मेरी बच्ची की तबीयत ठीक हो ले, आ जाऊंगी वापस। गुरु हम अपनी बच्ची का दिल बहलाते हैं, म्यूजिक चैलेंज खेलते हैं। गुरु गुरु बेटा, गुरु तुम वो गाना सुनाओ ना, अल्लाह बख्शे मलका तरम नूर जहां का, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब ना मांग। आए कैसी बातें करती हो तुम, अभी सूर में। आए गुरु फ्लैशबैक में चली जाओ, अपनी पुरानी जवानी की यादों में खो जाओ गुरु, मगर मुझे वो गाना सुना, मैं वो ही सुनूंगी। हाँ चल कोशिश करती हूँ। मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब ना मांग। मुझे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब ना मांग। आ गुरु ये छोड़ो गाना, इतना बेकार गाना, अब वो गाना सुना जो जवानी में गाती थी, पायल में गीत हो छम छम के। जरा सुनो इसकी चमक चलो की बातें, हाय हाय किस उम्र में मुझसे क्या करवा रहे हो तुम लोग, पर क्या करूं, बच्ची की खातिर करना पड़ रहा मुझे, कोशिश करती हूँ। चल फिर ठेका लगा। पायल में गीत है छम छम के, लाख चलेरी गोरी थम थम के, पायल में गीत है थम थम के, पायल में गीत है थम थम के, लाख चलेरी गोरी थम थम के, पायल में गीत अम्मा मेरी बच्ची का मूड बन गया, ये देख हमारी बच्ची कितना खुश है, आज मैं अपनी बच्ची से फरमाइश करूंगी, मेरी बच्ची चांदनी वो ही गाना सुना दे जो तू अक्सर हमें सुनाया करती है। पागल हो गई है क्या, ए उसकी तबीयत देख कितनी खराब है, बीमारी में सुनाएगी तुझे। ए रहने दे अम्मा, मैं सुनाती हूँ ना, शबनम ने कितने प्यार से कहा है, ले सुन शबनम तेरे लिए। चांद मेरा
नताशा, पता है कल इस घर में मैं उस मेहमान को लेकर आ रहा हूँ जिसका मुझे बेताबी से इंतजार था। मगर तैमूर वो है कौन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलालमीनिर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम, आमीन। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदन लिल। तुम आ गई अम्मा? अरे बाबू तुम, आओ आओ बैठो ना बाबू, बैठो। क्या तुम जानती हो चांदनी कि तुम कौन हो? तुम कौन हो बाबू? चांदनी को कब से जानते हो? बचपन से, क्योंकि मैं चांदनी का सगा भाई तैमूर, तैमूर निसार। वाह वाह बाबू वाह, बड़ा जिगरा है तुम्हारा। एक मुहूर्त से रिश्तेदारी जोड़ रहे हो। ये मेरा भाई, मेरा छोटा तैमूर, अम्मा अम्मा देख देख मेरा भाई तैमूर। हाँ चांदी, मैं तुम्हारा भाई तैमूर, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलोगे मेरे साथ अपने घर? नहीं, तू जा, जा तू चला जा, ये चांदनी तेरे साथ नहीं जा सकती, जा। जाने से पहले ये तो बता, मेरे बाबा और गुड़िया कैसे? बाबा दुनिया छोड़कर चला गया और गुड़िया की शादी हो गई। हे अम्मा सुना तूने? हे मेरा बाबा चला गया। हे अम्मा अम्मा सुना तूने? मेरा बाबा चला गया अम्मा, मेरा बाबा। बस मेरी बच्ची ना रो, मुझसे मिले बगैर ही चला गया मेरा बाबा। जा चला जा यहां से, क्यों मेरी बच्ची के पुराने जख्मों पे नमक छिड़क पा? चांदनी तेरे साथ नहीं जाएगी,
जा चला जा। जमनी क्या समझती है, सिर्फ यही जख्मों को लेकर जिंदा रही है? अरे बड़ी बहन तो मां जैसी होती है, और कोई मां अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती है, नहीं रह सकती है। मगर एक बात याद रखें, हर चीज अपने मकाम पर ही अच्छी लगती है। ये लोग तो अपने जैसों से मजबूरन रिश्तेदारियां निभाते हैं। तेरी मेरी क्या हैसियत है जब ये खूनी रिश्ते का मान भूल जाए ना, वापस आ जाए, वापस आ जाए मेरी जान। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची जा, जा तू अपना जॉब पूरा कर ले, अपना ख्याल रखिए। कहते हैं कि सरप्राइज देंगे। खैर आप मुझे बताइए असलम भाई कैसे हैं, और भाभी दवाइयाँ ले रहे हैं आप वक्त पे? अपना ख्याल रखा करें ना पापा। ओके प्रॉमिस, प्रॉमिस हम लोग आएंगे जैसे ही टाइम मिलता है। ओके पापा टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अब आई हूँ, इतने दिन से किधर थी? मालूम है ना गेस्ट ने आना है। बीबी जी मेरी बेटी के बेटा पैदा हुआ है।
ये मेरी बीवी है नताशा, और नताशा ये है मेरी बहन चांदनी। खबरदार जो मुझे हाथ भी लगाया, दूर हो जा। तैमूर ये क्या मजाक है, एक हिजड़ी को बहन बनाकर घर में ले आए हैं आप, निकाले इसे बाहर, घिन आ रही है। शट अप नताशा, जस्ट शट अप। ओके, दुनिया इन्हें कुछ भी कहे लेकिन ये मेरी बहन है, और एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, अब ये यहीं पे रहेंगे, समझी तुम, समझी तुम। तो फिर आप अपने आप को एक हिजड़े का भाई कहलवाइए फखर से, लेकिन मैं एक हिजड़े की भावज बनकर अपना और अपने ब्यूरोक्रेट बाप का नाम मिट्टी में नहीं मिला सकती। मैं जा रही हूं, और अब जब ही आऊंगी, जब ये हिजड़ा यहां से जाएगा। ए, ए, रोक ना इसे, मेरी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद ना कर। ए, बस बस एक दफा, एक दफा मुझे अपनी गुड़िया से मिला दे, फिर मैं चली जाऊंगी। उसे रोक ला। जाने दे उसे, जाने दे उसे, मुझे किसी की परवाह नहीं है। अब आप यहां पे रहेंगी मेरे पास इस घर में, गुड़िया से मिलना है ना, मैं उसे फोन करके बुलाता हूँ। हाँ, आप अंदर चलिए। क्या बात है भाई, आपने मुझे इस तरह अचानक अकेले आने के लिए क्यों कहा? माँ, मैंने तुम्हें एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनानी है। क्या? मेरी गुड़िया। कम से कम किया उस पर जो तुम किसी साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो, नताशा भी उसके साथ बदतमीजी करके गई है, और तुम भी। अरे 25 साल से तड़प रही थी वो सिर्फ तुम्हें और मुझे देखने के लिए, और तुम हो के महा। हकीकत से आंखें नहीं चुरा सकते,
हकीकत यही है कि ये खींचड़ा 25 साल पुराने रिश्तों को जोड़ने से अब कोई फायदा नहीं है। समझने की कोशिश करो, मेरा एक घर है, मेरी फैमिली है, और मैं एक हिजड़े के लिए वो सब नहीं छोड़ सकती। मेरे ससुराल वाले कभी ये कबूल नहीं करेंगे कि मैं एक हिजड़े की बहन हूं। भाभी ठीक कह रही थी, उसे जहां से लाए थे वहीं छोड़ा, हम सब के लिए बेहतर होगा। महा, महा एक दफा तो मिल लो उससे। किसी की परवाह नहीं है, किसी की भी कोई परवाह नहीं है। हम दोनों साथ रहेंगे चांदनी, मेरे साथ चलो चांदनी प्लीज। इना ये हाल में बाजार के फैसलों पे भला किसी का क्या अख्तियार, किसी का क्या कसूर। कोई अपनी किस्मत से लड़ सकता है क्या? लेकिन तू मेरी एक बात मान ले। हाँ, बोले बोले क्या हुआ मैं आपका? इच्छा चाचा के अपनी बीवी को मना ले, ये देना कर। अगर तू अपनी बहन को खुश देखना चाहता है, अपनी आपी को खुश देखना चाहता है, चाचा के उसको ले आ। और हाँ, एक बात और, अब किसी को मत बताना कि तेरा मेरा रिश्ता क्या है। जब जी चाहे तू आके मुझसे मिलेगा। जब तेरी दुनिया तेरा इंतजार कर रही है।
मुख पर आंचल डाल।